राफेल के मुद्दे पर देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज जो अपना फैसला देकर के स्थिति स्पष्ट की है, हम उसका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस देश के साथ और देश की सुरक्षा के साथ कांग्रेस ने झूठ बोलकर के जो शरारतपूर्ण षड्यंत्र करने का जो साहसिक प्रयास किया है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को और राफेल मुद्दे पर देश की छवि को खराब करने का जो दुस्साहसिक कार्य कुछ लोगों ने निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए किया है, उन सबको माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गहराई में जाकर के इस पूरे मामले के सभी पक्षों को देखा है और स्पष्ट कर दिया है ये जो डील थी ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट थी। जब एक सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की आज की केंद्र सरकार ने बिना मीडिएटर के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इस रक्षा सौदे के लिए जो देश के लिए आवश्यक था उसको समयबद्ध ढंग से पूरा किया, तब भी गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते थे कांग्रेस ने और खासतौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार की टिप्पणियां की, जिस प्रकार के झूठे आरोप लगाए, जिस प्रकार से अनावश्यक बखेड़ा पूरे देश के अंदर करने का प्रयास किया, संसद के कार्य को बाधित करने का प्रयास किया, सार्वजनिक स्थलों पर जगह जगह जाकर के देश की जनता के सामने जिस प्रकार से झूठ बोलने का कार्य किया, इसके लिए उन्हें देश की जनता से, देश की सेना से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है राफेल पर, उससे साफ हो गया है, स्पष्ट हो गया है कि कोई गड़बड़ी नहीं थी। मोदी सरकार पर, बीजेपी पर अनायास अनर्गल आरोप लगाए गए हैं। इसके लिए कांग्रेस को और उनके अध्यक्ष को, खासकर राहुल गांधी को, देश की जनता से, सेना से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें इस प्रकार का बर्ताव नहीं करना चाहिए। वो देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी है, पार्टी के नेता है, उन्हें इस प्रकार का अनर्गल आरोप नहीं लगाना चाहिए। लखनऊ से दिलीप शुक्ला, ईटीवी।